स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की क्लास का टॉपिक है प्लेटो की शिक्षा योजना, और प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था। आदर्श राज्य के लिए चार मुख्य व्यवस्थाएं उसने बताई थी। एक न्याय व्यवस्था, दूसरा शिक्षा योजना, तीसरा साम्यवाद और चौथा दार्शनिक शासक। इन चारों से मिलाकर ही उसका राज्य आदर्श बन सकता था। न्याय पर चर्चा हो चुकी है, तो आज अपन शुरू करते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना, जिसका प्रतिपादन उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया है। और रिपब्लिक में उसने इतने विस्तार पूर्वक शिक्षा पर चर्चा की है कि उसके आधार पर ही महान दार्शनिक रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक जो है वो राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा है कि जिस प्रकार शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को जीवित रखने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, और आत्मा का भोजन होता है शिक्षा। तो इस प्रकार प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा को आत्मा के पोषण की संज्ञा है वो दी है। और एक स्थान पर प्लेटो ने यह भी कहा है कि शिक्षा जो है वो मानसिक बीमारियों की मानसिक औषधि है। ये एक बार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है, एक बार ये प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको ध्यान में है वो रखना। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का जो प्रतिपादन किया था, तो प्रतिपादन करने से पूर्व प्लेटो ने तात्कालीन समय में एथेंस में, जो उसका स्वयं का राज्य था और उसका पड़ोसी राज्य था स्पार्टा, तो उसने एथेंस और स्पार्टा में उस समय की प्रचलित शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद उसने उन दोनों शिक्षा प्रणालियों की कमियों को छोड़कर दोनों शिक्षा प्रणालियों के गुणों को मिलाकर, गुणों का समन्वय करकर उसने अपनी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया। दोनों राज्य की जो शिक्षा प्रणालियाँ थीं उनकी अलग अलग विशेषताएँ थीं। एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका स्वरूप बौद्धिक अधिक था, और यहाँ शिक्षा ग्रहण करना या न करना व्यक्तिगत कार्य होता था, राज्य का कोई इससे लेना देना नहीं होता था। स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें बौद्धिकता कम थी और उसमें शारीरिक शिक्षा का प्रावधान अधिक था, कठोर सैन्य प्रशिक्षण का प्रावधान है वो अधिक था। और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रहण करना या न करना व्यक्ति का स्वयं का कार्य नहीं होता था, स्वयं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि राज्य अनिवार्य तौर पर सबको जो है शिक्षा देने का कार्य करता था। यानी स्पार्टा में शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित थी और राज्य के द्वारा ही है वो संचालित थी। और एक बात और मैं बताऊं आपको कि स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा चरम पर थी, और उनके बीच में युद्ध भी होते थे, और प्रत्येक युद्ध में स्पार्टा की जीत है वो होती थी, क्योंकि स्पार्टा सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली राज्य था। और वो इसलिए था क्योंकि स्पार्टा में सभी का सैन्य अनिवार्य तौर पर सैन्य प्रशिक्षण है वो दिया जाता था। तो इन दोनों राज्यों की ये अपनी अपनी जो शिक्षा प्रणाली की विशेषता थी, और इन दोनों राज्यों की शिक्षा प्रणालियों के गुणों का समन्वय कर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में विभाजित किया। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, पहले अपन प्राथमिक शिक्षा शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो है वो विद्यार्थी की 6 वर्ष की आयु से शुरू होती थी और 20 वर्ष की आयु तक वह चलती थी। इसमें 6 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को दो विषयों की शिक्षा है वो दिए जाने का प्रावधान किया गया। वो दो विषय थे, एक तो संगीत, दूसरा व्यायाम। प्लेटो का कहना था कि संगीत आत्मा के विकास के लिए है और व्यायाम शरीर के विकास के लिए है, क्योंकि ये 6 से 18 वर्ष तक की आयु है, इसी में व्यक्ति का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो होता है। इसलिए संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास को संभव बनाने के लिए प्लेटो ने इन दो विषयों को है वो रखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या संगीत में संगीत ही शामिल है और कुछ भी है? तो देखिए, संगीत में केवल संगीत ही शामिल नहीं था, यानी गाना बजाना ही शामिल नहीं था। संगीत के विषय में संगीत के अलावा अन्य कई ललित कलाएं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, इस तरह की अन्य अनेक ललित कलाएं हैं वो शामिल थी। उसी प्रकार व्यायाम में केवल व्यायाम ही शामिल नहीं था, बल्कि व्यायाम में व्यायाम के अलावा शरीर को स्वस्थ रखने की अनेक विद्याएं, जैसे आहार शास्त्र,
चिकित्सा शास्त्र, इस तरह की सभी विद्याएं इसमें शामिल थी। प्लेटो के अनुसार इन दो विषयों की जो शिक्षा है वो 18 वर्ष की आयु तक दी जाए और 18 वर्ष से की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक दो वर्ष तक सभी को अनिवार्य रूप से कठोर सैन्य प्रशिक्षण है वो दिया जाए और 20 वर्ष की आयु में सभी विद्यार्थियों की एक विशाल परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो है वो 20 वर्ष की आयु से शुरू होती है और उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य जो था वो राज्य के लिए दार्शनिक शासकों का निर्माण करना था। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य राज्य के लिए अच्छे नागरिक और अच्छे सैनिक तैयार करना था। वहीं उच्च शिक्षा का उद्देश्य राज्य के लिए दार्शनिक शासकों का निर्माण करना था। उच्च शिक्षा भी दो भागों में विभाजित थी, दो चरणों में विभाजित थी। पहला चरण 20 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 30 वर्ष की आयु तक चलता है। इस पहले चरण में सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य तौर पर 3 विषयों की शिक्षा दिए जाने का प्रावधान जो है वो प्लेटो ने किया। ये 3 विषय थे गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि तात्कालीन समय में यूनानी उस सभ्यता में गणित बहुत लोकप्रिय विषय था, इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा परियोजना में गणित पर बहुत ज़्यादा महत्व वो दिया है। ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी एकेडमी, उसके मुख्य द्वार पर ही लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति को भी गणित का ज्ञान नहीं है वो यहाँ प्रवेश का अधिकारी नहीं है। तो गणित पर इसमें अधिक जो शिक्षा योजना में बल है वो दिया गया। तो 30 वर्ष की आयु तक इन 3 विषयों की सबको शिक्षा दी जाएगी। 30 वर्ष की आयु में पुनः सबकी परीक्षा होगी, जो सफल होंगे उसको दूसरे चरण में प्रवेश दिया जाएगा, यानी उच्च शिक्षा का दूसरा चरण। और उच्च शिक्षा का दूसरा चरण 30 वर्ष की आयु से शुरू होगा और वो 35 वर्ष की आयु तक चलेगा। इन 5 वर्षों में सभी विद्यार्थियों को जो है अनिवार्य तौर पर दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और उसके उपरांत 35 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य तौर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए समाज की पाठशाला में भेजा जाएगा। उनको व्यवहारिक अनुभव लेने के लिए विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार कोई विद्यार्थी लगातार 50 वर्ष की आयु तक इस शिक्षा योजना में सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति शासक बनने का अधिकारी होगा। उसी व्यक्ति को प्लेटो ने दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक की संज्ञा है वो दी है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आदर्श राज्य में दार्शनिक शासकों को ही शासन करने का अधिकार है वो प्लेटो देता है। इस शिक्षा योजना की जो महत्वपूर्ण एक जो बात है वो ये है कि इस शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा का प्रावधान है वो किया गया, यानी जो शिक्षा पुरुष ग्रहण करेंगे वही शिक्षा महिलाएं भी ग्रहण करेंगी। ये आज की दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उस युग की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्लेटो का विचार जो था उस युग में भी कितना ज़्यादा प्रगतिशील था। प्लेटो ने माना है कि जो बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएँ एक पुरुष में होती हैं वही बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएँ एक महिला में भी होती हैं, इसलिए जो शिक्षा पुरुष प्राप्त कर सकता है वो शिक्षा एक महिला भी प्राप्त है वो कर सकती है। इसलिए प्लेटो ने महिलाओं को समान अधिकार दिया। और अभी मैंने आपको ये बात बताई कि इस शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति दार्शनिक शासक बनता है, तो इस शिक्षा योजना में इस शिक्षा पद्धति में महिलाएं भी पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो कोई महिला भी यदि 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करेगी तो वो भी शासक बनने की अधिकारी होगी। तो इस प्रकार प्लेटो महिलाओं को भी शासन शिक्षा ही नहीं बल्कि शासन व्यवस्था में समान अधिकार प्रदान करता है, जो कि एक बहुत ही उस युग की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक जो मैंने आपको बात बताई कि ये जो शिक्षा योजना है इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये शिक्षा योजना पूरी तरह से राज्य के द्वारा नियंत्रित है और ये पूरी तरह से राज्य के द्वारा ही संचालित है। ये एक शिक्षा योजना एक ऐसी शिक्षा योजना है जो व्यक्ति का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास संभव बनाती है। इसमें उपयुक्त आयु में उपयुक्त शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। और इसके अलावा एक जो बात अभी मैंने आपको बताई थी कि शिक्षा पद्धति में गणित पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है और जो साहित्य की आवश्यकता से अधिक उपेक्षा है वो की गई है। मैंने ये प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि ये बहुत बड़ा भी हो सकता है टॉपिक, लेकिन बड़े टॉपिक होने में दिक्कत ये होती है कि
की जो मूल थीम है वो आपके समझ में नहीं आती, मूल जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो, इसीलिए इसको संक्षेप में करने का प्रयास मैंने है वो किया है। विस्तार से किताबों में खूब है लेकिन आप पढ़ते हो तो फिर वो आपके समझ में नहीं आती। तो आपके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको इसी प्रकार संक्षेप में बताने का प्रयास है वो किया है। मेरे को उम्मीद है ये आपके लिए लाभदायक होगी और ये बी के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, एम ए के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है और जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। धन्यवाद।